हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वायु जीवन के लिए आवश्यक पाठ में वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति को देखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इससे हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रयोग का नाम है बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं चार मोमबत्तियां हमने ली हैं, जलती हुई मोमबत्तियां हैं, और एक छोटी सी ग्लास है, एक उससे बड़ी ग्लास है और एक उससे बड़ा जार। इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक ही समय पर इन जलती हुई मोमबत्तियों के ऊपर में रखेंगे। चलिए एक आप रखिए, एक आप रखिए, है ना, आप यहाँ पर रखिएगा, आप यहाँ पर ही, हम एक हम रखें। चलिए रेडी, देखिए पहला जो मोमबत्ती है वो बुझ चुका है, दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई, तीसरी मोमबत्ती अभी तक जल रहा है, चौथी तो बिल्कुल ही जल रहा है, देखिए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ चुका है, जबकि ये चौथी जो मोमबत्ती है ये जल ही रहा है। और आपको मालूम है कि जब हम लोग मोमबत्ती को बाहर में हम लोग जलाते हैं तो वो तब तक खत्म नहीं होता है जब तक कि उसमें मोम जो है रहता है, या बाहर से हम उसको हवा से हम लोग उसको जो है नहीं बुझाते हैं, फूंकते नहीं है, तब तक वो जलता ही रहता है। तो ये जो छोटा सा प्रयोग के द्वारा आप लोगों ने देखा कि ये छोटी जो ग्लास थी इसमें इसके अंदर जितनी हवा थी, हवा में जितनी ऑक्सीजन थी, उतना ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक हुआ। जितना देर तक इस ग्लास के अंदर में जो वायु थी उसमें जितनी ऑक्सीजन थी उतना ऑक्सीजन के द्वारा ये जलता रहा। ये ग्लास उससे बड़ी है, इसमें ज्यादा हवा थी और ज्यादा हवा रहने के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी उसकी तुलना में ज्यादा थी, इसलिए ये इसके तुलना में थोड़ा देर तक जला था। और ये तीसरा जो है, जो जार लिए थे हमने, बड़ा सा जार है, इन दोनों से बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि इसमें हवा ज्यादा थी इसलिए ऑक्सीजन भी ज्यादा था, इसलिए ये इन दोनों से ज्यादा देर तक जो है जला। और ये जो चौथी मोमबत्ती थी ये बाहर रहने के कारण, वायु हवा में रहने के कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उसको लगातार मिलता रहा, जिसके कारण ये लगातार जलता रहा। तो इस प्रयोग से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना देर तक वो जलेगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।